रिश्तेदार में भी कोई परेशानी है तो आप यहाँ से उस रिश्तेदार के लिए पढ़िए, उस रिश्तेदार को परेशानी हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं एक ऐसा अमल लाया हूँ जो बहुत बेहतरीन और बहुत ही पावरफुल है, और जो भी परेशानी हो, जो भी मुसीबत हो, आप यहाँ अमेरिका में हैं और इंडिया में परेशानी है आपके रिश्तेदार का चाहे घर में, तो आप वहाँ अमेरिका से आप परेशानी सही कर सकते हैं यहाँ अपने घर पे। इतना पावरफुल है इंशाअल्लाह ताला, अगर इस पे आप अमल कर लीजिएगा बिल्कुल सच्चे दिल से अल्लाह ताला की नाज़िर हाजिर करके, तो आप कामयाब हो जाइएगा। मैं बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। आप इस तरह से दिल से पढ़िए, पढ़ते रहिए, हजार बार, 2000 बार, पूरे दिन भर पढ़ते रहिए। ये मत देखिए मेरा कोई परेशानी है, सिर्फ ये समझ लीजिए मेरे कोई परेशानी आने वाला है। आप दिन भर पढ़ते रहिए, कोई काम करते रहिए तो पढ़ते रहिए, रात में सोइए तो पढ़ते रहिए, सुबह उठिएगा तो ऐसे पता लगेगा जो आप, मैं पढ़ ही रहा हूँ। इतनी तासीर है उसकी, इतनी आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम मेरा समस्या आया और किस टाइम चला गया। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, आप ये पढ़ते रहिए। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। 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 बीच बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहिए, और इसका कोई अंत नहीं है। जब आपके दिल सुकून आ जाए, जब दिल में तसल्ली आ जाए, मेरे कुछ ऐसा परेशानी लगता है हल हो गया, तो समझ लीजिए वहाँ परेशानी हल हो गया। आप किसी रिश्तेदार में भी कोई परेशानी है तो आप यहाँ से उस रिश्तेदार के लिए पढ़िए, उस रिश्तेदार को परेशानी हल हो जाएगा। ये बिल्कुल पावरफुल है, मेरा आजमाया हुआ है, मैं अपनी ज़िंदगी में यही इस्तेमाल करता हूँ। और ये अमल करने के बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला जो भी परेशानी है, दुनिया ये दिखावा है, एक दिन तो जाना है आपको। अब दुनिया की उलझन में पड़े रहते हैं, हम भी पहले ऐसे ही करते थे, कुछ नहीं करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला कुछ मालिक है इस दुनिया को बनाने वाला, कोई खालिक है, अल्लाह ताला की कलाम में सुरह में इतनी तासीर है जो आप इंसान समझ नहीं सकता है। लेकिन फजर की नमाज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ना, फजर की नमाज़ 11 बजे तक रोजी रोटी मिलता है, लास्ट 11 बजे तक रोजी रोटी मिलता है। आप फजर की नमाज़ एक रोज पढ़िए और दुआ कीजिए, जो दिल में जो सुबह उठ के जो नियत कीजिएगा वो पूरे दिन आपको अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ और एक मैं बताने वाला हूँ, जो आप पूरे दिन भर तंदुरुस्त रहिएगा, एकदम फुर्तीला रहिएगा, वो भी आयत, हाँ यही आयत है, आप 100 बार कम से कम पढ़िए फजर में, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। फजर में पढ़िए डेली, आप पूरे दिन भर तंदुरुस्त रहिएगा, फुर्ती रहिएगा। आप अमल करके तो एक बार देखिए क्या तासीर मिलता है। मैं अभी इतना 50 साल उम्र हो गया है मेरा, मैं अभी भी एकदम फुर्तीला रहता हूँ। और बीमारी का मरीज भी हो, मैं डायबिटीज़ है मेरा, डायबिटीज़ के बारे में भी मैं बताऊंगा कि क्यों होता है डायबिटीज़, किस कारण से होता है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा बाद में। और ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो वीडियो आएगा, अच्छे अच्छे वीडियो आएगा, वो आप तक पहुंच जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।